हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल पे आप सभी को का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद सुशील कुमार। आज मैं बताऊंगा दोस्तों टेनोक्लॉप फ्लावर के बारे में। टेनोक्लॉप फ्लावर जो है उससे आप बीज को कैसे प्राप्त करें, जिसे 10 बजिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी अंत तक देखें, ठीक है दोस्तों। आप इसका बीज को किस तरह से निकालें, देखिए जहां जहां ये हुआ है कुछ ही में आपको इसका बीज भी मिलेगा, कुछ में, सभी में नहीं। जैसे मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ये देखिए, ये मैं इसका बीज कुछ निकाल के आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, इस तरह से बीज को निकाल के आप बिल्कुल रख सकते हैं और इसे कभी भी लगा सकते हैं। इसके बीज बन जाते हैं यहीं पर, देखिए इस तरफ से। जब ये फूल सूख जाएंगे तो फूल सूखने के बाद ये अपने आप इसमें बीज बन जाते हैं। बीज सभी में नहीं निकलेंगे, किसी किसी में निकलेंगे, बहुत कम निकलेंगे। इसे धीरे धीरे निकाल निकाल के रखना पड़ता है, आपको एक बार में नहीं निकल पाएंगे पूरे। देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप बीज को निकाल लें। मैं सीसी में भी निकाल के रखा हूँ, ये देखिए, इस तरह से आप इसके बीज निकाल के रख सकते हैं। देखिए, ये इसके बीज है। इसमें
हर कलर में है, हर डिजाइन में है। ये देखिए टेनो क्लॉप के फ्लावर दोस्तों, बहुत आसानी से इसके बिया निकल जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ही थोड़ा करके रखना पड़ेगा इसमें, और हर कलर में होते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा ही थोड़ा करके इसका बीज निकाला है, और निकाल के अभी मेरे पास इतने सारे बीज हो गए हैं कि मुझे लगाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे पास ढेर सा बीज हो गए हैं, ये देखिए। इसमें बहुत सारे कलर हो जाते हैं, ये देखिए एक इसमें वाइट भी है, हल्के पीले पे भी हैं, ऑरेंज है, पिंक कलर हैं, बहुत सारे कलर हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके बीज तो आपको दिखाई, ये देखिए ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।